मेरी बहनों को, मेरी बहनों रिश्ता करने गए, सैयद है बच्ची आ, नहीं करते बा हम लोग सैयदों को, सैयदों को अपना रिश्ता नहीं करते, क्योंकि सैयद से रिश्ता हुआ तो क्या होता, अपना रिश्ता रसूल अल्लाह से हो जाता। ये सूफी साहब गौसे पाक की औलाद नहीं है, मगर इन्हों पीरानी माँ से रिश्ता करके इन्हों गौसे पाक के रिश्तेदार हो गए, गौसे पाक के रिश्तेदार हो गए नो, समझ रहे हैं आप बात को। ये है सैयदों से रिश्ता करने की शान, सैयद से रिश्ता करे तो अपन भी रसूल अल्लाह के रिश्तेदार हो जाते। सैयदों से एक साहब बोले नहीं मौलाना, उन लोगों को लाके घर में वो झाड़ू झटका बर्तन कपड़े, तो क्या मतलब खान साहब की बच्ची से करा सकते शेख की बच्ची से करा सकते। देखो झाड़ू झटका बर्तन कपड़े ये जरूरियात जिंदगी है, ये खान साहब की बच्ची भी करना, ये सैयद साहब की बच्ची भी करना। जब सय्यदाए कायनात फातिमा तो जहरा करती है, कुर्बान जाऊं जी, सय्यदाए कायनात फातिमा जहरा रदी अल्लाह तआला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में तशरीफ लाती है। काम करने की वजह से सय्यदाए कायनात के मुबारक हाथों पर घट्टे आ गए थे। हजरत अली से कहती हैं कि अली जाकर हुजूर से कह दो कि हमारे लिए खादिमा का इंतजाम कर दें, मुझे कहने में शर्म महसूस होती है, अली आप कह दें। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा ने कहा या रसूल अल्लाह सय्यदा फातिमा काम करके थक जाती है, बतूल जन्नत सारी जन्नती औरतों की सरदार काम करके थक जाती है, आखा फातिमा चाहती है कि एक बाल्टी दे दे। रसूल अल्लाह अपने लख्त जिगर नूर नजर के घर तशरीफ लाए, कहा बेटी अगर तुमको खादिमा दे दूं तो खयामत तक हर बीवी अपने लिए खादिमा मांगेगी। ये छुपा हुआ पहलू था, इसलिए मुस्तफा ने अपनी बेटी को खादिमा नहीं दिया बल्कि अल्लाह के जिक्र का वजीफा अता फरमाया। जब सय्यदाए कायनात काम करती है, कोई सैयद जादी अपने घर में काम करे तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। इस काम की वजह से सैयदजादियों से रिश्ता रोका जाएगा तो यह हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती है। सैयदों से रिश्ता करो, सैयदों की बेटियों को अपने घर में लाओ। तुम गुलाम होकर नबी को पुकारोगे तो नबी तुम पे नजरे करम करेंगे, जब तुम्हारे घर में बैठकर नबी की बेटी आवाज देगी तो सोचो नबी कितनी नजरे करम फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह, सैयदों का रिश्ता करो, सैयदों का ताल्लुक रसूल अल्लाह से है, इनके लिए बस इतनी बात काफी है। खुदा की कसम ये गौसे पाक की बेटी है, ये मौला हसन मुजतबा की बेटी है, ये रसूल अल्लाह की बेटी है। हाँ देखो, फिर एक साहब ने कहा कि मौलाना सैयदजादियों को लाते हैं घरों में, कभी हमसे गाली गलोच हो जाती है, कभी मारम पीटी भी हो जाती है, कभी ऊंच नीच हो जाती है, तो मैं पूछा सैयद के साथ तुम ये नहीं करना चाहते? बोला नहीं नहीं हम नहीं करना चाहते। बोला वेरी गुड। मैं बोला खान साहब की बच्ची से करने की इजाजत है? बताओ भाई, खान साहब की बच्ची को घर में लाके मारने की इजाजत कौन दिया आपको? शेख साहब की बीवी को, शेख साहब की बेटी को बीवी बना के लाके शेख की बेटी मारो, ये कौन इजाजत दिया भाई? मेरे भाई, चाहे बेटी शेख साहब की हो या खान साहब की हो या पठान साहब की हो या अब्दुल्ला साहब की हो, किसी की बेटी को भी खुदा की कसम मारने की इजाजत नहीं है। अजी हमारे मजहब में तो रोड पे चलते चलते पत्थर दिखा तो बाजू हटाना है। हुजूर फरमाने ये ईमान के 70 शोबों में से एक शोबा, एक हिस्सा है ईमान का।
वो पत्थर आप क्यों हटा रहे हैं? हालांकि आप तो देख लिए, आप तो उसके ऊपर उड़ंग खा के गिरने वाले नहीं है, मगर हटाए क्यों? इसलिए कि मेरे बाद आने वाले किसी दूसरे शख्स को तकलीफ ना हो। रास्ते से कांटी हटाना, पत्थर हटाना, ये ईमान की निशानी है, ताकि किसी और को तकलीफ ना हो। तो फिर अपने घर में अपनी बीवी को मारना, ये कौन सा मोमिन होने की अलामत है जी? अपने घर में अपनी बीवी को मारना, ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी अखलाक है? अपने घर में अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ज्यादती करना, ये कहां की शराफत है मेरे भाई? बदबख्ती है अल्लाह के वास्ते इस जिहालत से तौबा करें, वरना यह जिहालत तुम्हें दोजख के गढ़ों में डाल देगी, अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बनाएगी। ना बेटियों को मारने की इजाजत है, ना बीवियों को मारने की इजाजत है। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा आपके पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा, हुजूर मैं निकाह किया मगर मेरी बीवी की कोई आदत मुझे पसंद ही नहीं आती, और मैं उसकी नापसंदगी को देखता हूं और मैं उसको मार देता हूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, बदबख्ते खबरदार, आज के बाद अपनी बीवी को नहीं मारना। कहा, हुजूर मुझे उसकी कोई अदा पसंद नहीं आती। कहा, 10 अदाएं भी अगर तुझे पसंद नहीं आती तो इंतजार कर, 11वीं अदा पसंद आएगी। कहा, हुजूर 40 अदाएं मुझे पसंद नहीं है उसकी। कहा, इंतजार कर, 41वीं पसंद आएगी। कहा, हुजूर अगर उसकी 70 अदाएं भी पसंद ना आए। कहा, इंतजार कर, 71वीं अदा पसंद आएगी। कहा, हुजूर मुझे उसकी 99वीं अदाएं भी ना पसंद हो तो क्या करूं? कहा, इंतजार कर, 100वीं अदा पसंद आएगी। कहा, हुजूर अगर 100वीं अदा भी पसंद ना आए तो क्या करूं? तो इमाम आजम ने कहा, तलाक दे दे मगर उसके गाल पे तमाचा मत मार। तलाक दे दे मगर उसके गाल पे तमाचा, क्योंकि बदबख्ते तू नहीं जानता ये औरत के हुस्न व जमाल को अल्लाह ने अपने जाती खुदरत से बनाया है, अपने दस्ते अक्दस से अल्लाह ने उसको तैयार किया है। औरत खुदा की खुदरत का एक जलवा है। उसको मारने तोड़ने के लिए, नौकरानियां बनाने के लिए, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक बैलों के जैसा, भैंसों के जैसा सुलूक करने के लिए नहीं दिया अल्लाह ताला उसको। इंसान है इंसान, इंसान की कदर करो। औरत का अपना एक बहुत बड़ा मुकाम है, उसकी इज्जत करो।